बनाम। देखिए ऐसा है, आप जो मीडिया में आती खबरें उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा किसी ने पहले भी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक, हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है। और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा शाम को हम लोग करेंगे। आपके एससी आयोग के अध्यक्ष ने सर कहा, क्या युवाओं का मुंह भंग हो रहा है पार्टी से? देखिए चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि NSVI को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में, या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी, तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आए, क्योंकि शायद पहली बार, यह बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की, आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा, आज जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बात हम कर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृहमंत्री आएंगे तो वो ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आएँ, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की जमीन पर किया था, उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं, ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृहमंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं उन लोगों की जो प्यास है, जमीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हज़ारों करोड़ रुपये सेंट्रल विस्तार के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति BJP करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे देश, पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही हैं तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करना चाहिए, ताकि गौ माता। मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है और मैं समझता हूँ ये मामला बहुत चिंताजनक है कि जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारा SC आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अहदा प्राप्त है और हमारा जो SC का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं और न्याय लोगों को समय पर मिले, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि गरीब दलित महिला पर अत्याचार करने की हिम्मत कर सके, वो माहौल हमको निर्मित करना पड़ेगा। जब जालौर में गया था मैं, तब भी ये कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से या लेजिस्लेशन लाने से लोगों के जहन में डर नहीं बैठता, अपने एक्शन से एक वातावरण हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत ना कर सके कि बच्चियों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे इस तरह का कोई आक्रमण कर सके, अत्याचार कर सके। वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, उसमें पूरी ताकत से सरकार काम करेगी और भविष्य में मैं समझता हूँ हालत को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। संगठन महासचिव हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मिस्त्री जी जो चुनाव प्रणाली के हमारे CE के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है। और जैसा वेणु जी ने कहा कि इस कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है,
मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, उनका उनको किसने वोट डाला, उन्होंने नामांकन कब भरा, किन किन लोगों ने कंटेस्ट किया, कौन कौन खिलाफ कर सकते थे, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है, ओपन इलेक्शन है, कोई भी नामांकन भर सकता है, 24 से 30 तक सितंबर में कोई भी अपना नामांकन भरेगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसको भी हमारे डेलीगेट्स वोट डालेंगे वो चुनाव जीत कर आएगा। और जैसा खुद AICC के सभी नेता बोल रहे हैं कि सब लोग, ये खुला चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है इसमें, तो हमें इंतजार करना चाहिए परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का हमारा जो इतिहास रहा उसको हम बनाए हुए हैं, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर नियुक्तियाँ होती कैसे हैं, अध्यक्ष कौन चुनता है, कौन नामांकन भरता है, वो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने आज तक देखा नहीं बीजेपी का कि वहाँ पर्चा भर के अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कांग्रेस में हो रहा है और ठीक है लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि पिछले 40-50 साल से जैसा सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और वो उनमें से वो शख्स हैं जिनको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विपक्ष के नेता रहे हों, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज समय था कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है उसमें साथ देने का, उसमें भूमिका निभाने का। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं और जैसा मैंने कहा, जब सोनिया गांधी जी खुद कह चुकी हैं कि जिन जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया है आज समय पार्टी को वापस देने का है, वो करने के बनस्पत वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जनता और समय तय करेगा कि निर्णय कितना सही था कितना गलत था। बहरहाल हम लोगों का 4 तारीख का आयोजन पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और 7 तारीख की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भी ऐतिहासिक होगी और सब मिलकर से पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है, लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।